हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है वो है कट ऑफ। तो फ्रेंड, कोई भी स्टूडेंट विद्यार्थी अगर किसी भी प्रतियोगिता या परीक्षा में भाग लेने वाला होता है, उसमें हिस्सा लेने वाला होता है फ्रेंड, तो उसे इस बात का पता होता है से उस जो एग्ज़ाम देने वाला है या जिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है उसकी कट ऑफ क्या होने वाली है, कट ऑफ क्या जाने वाली है। क्योंकि फ्रेंड, इसी के अनुसार उसका जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए वो एग्ज़ाम देने वाला है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है फ्रेंड, वो उसी कट ऑफ के अनुसार उसका सिलेक्शन होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, हर स्टूडेंट को पता होगा। जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको अभी जिन्होंने नए नए ट्वेल्थ किया है, ट्वेल्थ कंप्लीट किया है, या फिर जिनको उनसे भी पहले के स्टूडेंट या उनके बाद के जिनको कट ऑफ की जानकारी नहीं होती है, जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू विद्यार्थी है, उनके लिए वीडियो लाए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हम जानेंगे इसे कट ऑफ क्या होता है। फ्रेंड, ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना, पूरा देखना, जिससे भी आपको पूरी वीडियो पूरे अच्छे से अच्छे समझ में आ सके, कट ऑफ के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारियां मिल सके, और उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, कट ऑफ के बारे में ये जो डेफिनेशन है, इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसके बाद अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे। तो फ्रेंड, किसी भी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कितने अंक पर सफल घोषित किया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। इसकी साधारण शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि फ्रेंड, वो न्यूनतम अंक जिसको प्राप्त करने के उपरांत या बाद अभ्यर्थी का निर्धारित पद के लिए चयन कर लिया जाता है, उसे कट ऑफ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये हुआ, वो मार्क्स, मतलब जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम से पहले एक जो मार्क्स होता है उसे निर्धारित किया। जैसे फ्रेंड, अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम 100 नंबर का है, ठीक है फ्रेंड, तो 100 नंबर में से एक जो मान लेते हैं 80 या 75 नंबर, माना 75 नंबर उन्होंने कन्फर्म कर दिया, सेलेक्ट कर दिया है, तो जिसके 75 नंबर आएंगे, कम से कम 75 जिसके आएंगे, उनका सिलेक्शन होगा, और उनसे ज़्यादा जिसका नंबर आता है, उनके लिए प्लस पॉइंट है, उनके मतलब इस पद पर सिलेक्शन होने के लिए ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चांस है। लेकिन मिनिमम जिनको अगर सिलेक्शन उनको जहाँ सिलेक्शन अगर उनका होगा, अगर सिलेक्शन करना उनका चाहते हैं वो फ्रेंड, तो उनका सिलेक्शन हो जाए तो उनको 75 मार्क्स लाने हैं। तो ये मतलब ये पूरी लाइन में ये कहा गया फ्रेंड। फ्रेंड, मेरा जो घर है थोड़ा और एकदम रोड के बिल्कुल पास ही है, बिल्कुल रोड से सटा हुआ है, इसलिए फ्रेंड थोड़ा गाड़ियों को आवाज़ आता रहता है फ्रेंड, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो कट ऑफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड? ठीक है फ्रेंड, कट ऑफ की गणना करने के लिए किसी परीक्षा में निर्धारित पदों की संख्या और उस पद के लिए सफल उम्मीदवार और परीक्षा के स्तर के विषय में सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे पी एस सी की परीक्षा में 100 पद है तथा नियम के अनुसार इसका 15 गुणा अर्थात 1500 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करना है, तो इसके लिए हमें प्रथम स्थान और 1500वें अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, माना कि 1500वें अभ्यर्थी के अंक 85 है, तो इस परीक्षा का कट ऑफ 85 होगा, अर्थात सभी अभ्यर्थी जिनके अंक 85 वे 85 से अधिक है, वे मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मतलब उनसे अगला जो कंपटीशन होगा उसमें वो भाग ले सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा में सफल उम्मीदवार की संख्या पर ही कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। कट ऑफ से लाभ, कट ऑफ के जो फ्रेंड लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जैसे हर चीज़ के फ्रेंड एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट होता है, हर चीज़ के कोई चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। उनके पहले फायदे जान लेते हैं कट ऑफ के। कट ऑफ के लाभ इस प्रकार है, कट ऑफ से किसी भी परीक्षा में केवल योग्य अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो पाते हैं। कट ऑफ से अधिक संख्या में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में योग्य अभ्यर्थियों को चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें ये पहला पॉइंट में ये कहा गया है, से कट ऑफ में परीक्षा में केवल योग्य, मतलब जिस पद के लिए, मतलब कोई मान लो कोई भी एक पद है जिसके लिए मतलब हजारों लाखों लोगों ने भले ही फॉर्म स्टूडेंट ने विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिए, लेकिन जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी जो इंसान उस पद के लिए एक तरह कहते हैं जो उसके योग्य है, उसी का सिलेक्शन हो पाता है एग्ज़ाम के द्वारा। अगर एग्ज़ाम ना हो तो मतलब कोई भी, अब मान लेते अगर कोई वैकेंसी निकली हो जिसमें 12वीं क्लास 12वीं पास भर्ती फॉर्म भर सकते हैं,
तो अगर सिर्फ 12वीं पास में हो, तो जो भी बंदा 12वीं पास हो, जिसके बारे में 90% आया, 98% आया, जिसके बारे में 33% आया, 34% हो, नकल मार के हो, जिसने मेहनत की हो दिन रात, सबका सिलेक्शन होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये तो मतलब भेदभाव हो गया ना। तो इसलिए कट ऑफ से अधिक संख्या में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के चुनाव साहब, मतलब अगर मान लो 15 लाख बच्चों ने भेज दिया है, मान लो उनमें से 10 लाख भी योग्य बच्चे हैं, मतलब सही है, लेकिन सब पूरे अगर वैकेंसी पानी से है फ्रेंड, तो फिर कट ऑफ के जरिए उन्हें छांटा काटा जा सकता है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, कट ऑफ का मीनिंग ये होता है काटना छांटना फ्रेंड। अब कट ऑफ की हानियाँ जान लेते फ्रेंड। कट ऑफ से हानि इस प्रकार है, नकल होने पर अयोग्य अभ्यर्थी अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, मतलब नकल होने से जो अयोग्य होते हैं, जो इनके योग्य नहीं होते, नकल करके वो उस अंक प्राप्त करते हैं, जिससे कट ऑफ को उच्च कर दिया जाता है, मतलब कट ऑफ हाई कर दिया जाता है फ्रेंड। इस प्रकार से योग्य अभ्यर्थी प्रतियोगिता से पहले ही बाहर कर दिए जाते हैं। वर्तमान समय में सहायक शिक्षक भर्ती में कट ऑफ ना होने से शिक्षा मित्र को भारांक के कारण कम अंक पर भी नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी, जिससे योग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में पहले ही बाहर हो जाएंगे। ये फ्रेंड इसमें ये कहा गया है, मतलब कुल मिला के नकल करने से क्या होते हैं फ्रेंड, जो इनके योग्य नहीं होते हैं वो नकल मार के उनके तो नंबर ज़्यादा जाते हैं, तो नकल मार के उनको जॉब मिल जाती है, उनको उस वैकेंसी पर जो भी है उनको उस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। और लेकिन जो योग्य होते हैं, जो पूरी मेहनत से लगन से खुद करते हैं, उनको ये जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि नकल करने से क्या तो बहुत सारे बंदे नकल कर लेते हैं और सबके नंबर 85, मतलब अगर जो 85 चाहिए तो 85 आ जाते हैं, तो बंदे के जो एग्ज़ाम लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, रैंक और हाई कर देते हैं, उन्होंने पहले सिलेक्ट किया होता है 75 तो उन्हें 85 कर देते हैं, पहले 85 कर रखा तो 90 कर देते हैं, तो नकल करने वाले फिर भी निकल जाते हैं, लेकिन जो खुद से मेहनत कर लेते हैं उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने आपको कट ऑफ के विषय में सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि किसी जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उस सवाल का जवाब देंगे। अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना फिर हम उस टॉपिक ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। और अगर आपको कुछ भी समझना है तो कमेंट से फिर जरूर कुछ और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे सभी को कट ऑफ के बारे में जानकारी ले सके, नए हो पुराने, जिनको भी कट ऑफ के बारे में ना जानकारी हो तो अच्छे से जान सके, ठीक है फ्रेंड। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल फ्रेंड हमेशा नए नए टॉपिक पे वीडियो आते रहती है, नए नए कंटेंट पर, जो कि हर एक स्टूडेंट हो या ना हो, नया हो पुराना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।